लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Your Honor, may please also consider the judgment of the Honorable High Court of Odisha in Government of Odisha versus Pratap Kuch Industries in 1958 and judgment of the Honorable High Court of Tamil Nadu as recent as 2011. These papers I humbly submit as directly as applicable to the facts of this case. That's all, Your Honor. Great. I am allowing your appeal on the merits of facts. So was this the last appearance of Advocate Arvind? Yes, Your Honor. Have been a pleasure listening to you as a lawyer. And I welcome you as one of us, the youngest judge of High Court, I believe. Congratulations. Thank you, Your Honor. Hello. thank you so much for all your wishes. हाँ सब लोग ठीक हैं और क्या हाँ मैं आऊँगा ओके देन रखता हूँ अरे बेटा हाँ पापा अपनी तबीयत का ख्याल रखना लापरवाही मत करना हाँ और हाँ सुनो बेटा घर आते समय तुम ड्राइव करने वाले हो हाँ पापा हाँ
जरा संभाल कर गाड़ी चलाना। अच्छा पापा। हाँ हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना। हाँ। क्या कहा उसने? हाँ उसने कहा वो आ रहा है। हेलो। बोल बुद्धू। पापा डोंट कॉल मी बुद्धू। सॉरी 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 डार्लिंग, अब नहीं कहूंगा। मम्मी को फोन दे। मम्मी हाँ? आपके लॉयर का फोन है। हाँ? लॉयर नहीं बुद्धू, जज। जज बोल, पापा जज है। वन मोर टाइम यू कॉल मी बुद्धू। आदि प्लीज डोंट फाइट, गिव इट टू मी। हेलो। हाँ आई एम ऑन माय वे, तुम लोग तैयार रहना, रात को पार्टी है। ओके ओके। वेरी एक्टिव रोटेरियन इंदिरा नगर के हमारे बहुत ही होनहार और प्राइड द यंगेस्ट जज मिस्टर अरविंद चंद्रशेखर एंड विद हिम हिज बेटर हाफ संगीता एंड देयर टू लिटिल जेम्स आर्या एंड आदित्य। कांग्रेचुलेशंस सर। मार्कोस ने बहुत कोशिश की इस जज की पोस्ट को पाने के लिए। रिलैक्स मार्कोस, यू कैन ट्राई लेटर। फ्रेंड्स आई रिमेम्बर जब हमारे कृष्णा ईयर वॉज ऑफर्ड अ जज पोस्ट, सर ने तो वो ऑफर डिक्लाइन कर दिया और कहा आई वुड रादर स्पीक सेंस वंस इन अ वाइल देन हियर नॉनसेंस ऑल द वाइल। एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू लूज दिस, मैं इसे रिजेक्ट भी नहीं करूंगा। आई एम एक्सेप्टिंग इट With all humility, I hope it's fun. To hell of with course. Your honesty, man. With your support, Sneha madam, and I'm humble. चलो। आप तक डिनर भी नहीं किया। तुम्हें क्या खाना खाके यहीं हजम करना है? चलो, हम किसी दूसरे होटल में जाते हैं। Come on, let's go. I request Rotarian Mr. Mohan to come and hand over the memento to Mr. Arvind and wish him. उसे लगा कि उसे आसानी से एक्सटेंशन मिल जाएगा और वह बहुत सारा पैसा बना लेगा, इंटीग्रिटी में रहने वाला ब्लैकगार्ड। लेकिन ऐसे समय भी यू हैड अ फोकस एंड फोर्टिट्यूड। इसने बेहतर तरीके से कोर्ट का काम शुरू किया और अभी बेंगलुरु हाई कोर्ट का मोस्ट सक्सेसफुल लॉयर है और देखते ही देखते जज भी बन गया है, राइट ऑन टॉप। LLB डिग्री हासिल करने के बाद इसने मेरे साथ काम करना शुरू किया। वकील का काम छोड़कर बाकी सारे काम मैंने इससे करवाए। क्लर्क का जॉब किया, घर के काम करवाए, इतना ही नहीं इसे चप्पल भी सिलवाए। सर वो क्या है कि गुरुकुल से मैंने शिक्षा हासिल की है ना। हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। अब ये कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स नहीं है। माय फ्रेंड नील जॉर्ज, IPS, नाउ ऑन स्पेशल ड्यूटी इन बेंगलुरु। वकील बनने के बाद मैंने बहुत सारे केसेस इसके साथ किए, माय बेस्ट फ्रेंड, और ये संगीता का क्लासमेट भी है। तुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये माहौल तेरे लिए नहीं है, सब लोग यहाँ नशे में। सर मैं इसे अंदर लेकर जाता हूँ, ये शराब नहीं पीता, पहले पीता था। संगीत हाँ? इसके लिए हॉर्लिक्स लेकर आना। हॉर्लिक्स? हे अरविंद, कांग्रेट्स ऑन योर जजशिप। ओह नो फॉर्मेलिटीज, तू अभी मुझे गाली दे सकता है जैसे तू देता था जब मैं इसे देख लिया था। उस वक्त मैं नशे में था, मजाक कर रहा था। और कब तक है तू बेंगलुरु में और फैमिली? वो लोग मेरे साथ ही हैं, मैं सिर्फ एक ही महीने के लिए हूँ। मैं जा रहा हूँ। सर जा रहे हैं, मैं आता हूँ। लड़ना मत। बिल्कुल नहीं, मुझे जरा सहारा देना। सर चलिए। तुम जरा मार्कोस से संभल कर रहे। वो कुछ नहीं है सर, मैं देख लूंगा। सलीम तू सर को घर लेकर जाएगा क्या? मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना देखता ही रह जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? तुम्हारे भी बच्चे हैं, फैमिली है। इट वॉज जस्ट ए कॉलेज डे क्रश। ओके कॉलेज डे क्रश वो ठीक है, लेकिन सच तो ये है कि मैं अब भी जब भी तुम्हें देखता हूँ बस देखता रह जाता हूँ। You really haven't changed. I can't change. Neither can you. Go get me a tea. I'll get you Horlicks. Horlicks दोगी तो फिर से देखूंगा। चुप करो। टी। अरे ये तो टोपी पहनकर सो गया, क्योंकि तुमने इसका सर जो मुंडवा दिया है टकले में ये अच्छा लगता है। मैं सोने जा रही हूं, बहुत थक गई हूं। क्या कभी हमारी लाइफ चेंज होगी? कम ऑन सिली,
ये पुलिस, मीडिया, पॉलिटिकल प्रेशर तुम्हें पसंद है? ऐसा कुछ नहीं है संगी, ये सब तो सिर्फ एक काम है। यदि आप काम के लिए अच्छे हो तो काम आपके लिए अच्छा होगा, और अगर कोई रुकावट आए तो मेरे पास तलवार है, सबको काट दूंगा। अरविंद प्लीज डोंट जोक, ये सब ग्रह नक्षत्रों के बदलने से हुआ है। ओहो, तो ये बात है। अरविंद आई एम सीरियस, तुम्हारे लास्ट बर्थडे के फोकस में कहा गया था कि ऐसे चेंजेस होंगे, अगर उसकी वजह से ये सब। लुक मैडम, ऐसी बातें करके मेरा समय बर्बाद मत करो, कल मुझे ड्राइव करना है, बहुत दूर जाना है, सो जाओ। जानती हो मुझे मंदिर के मेले में जाना है, जहां पर मैं एक भजन गाने वाला हूँ। oh no. इससे बुरी पनिशमेंट और कोई नहीं हो सकती। तो चलो फिर एक ड्यूएट गाते हैं, क्या बोलती हो? भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, जमीन के बारे में जल्दी निर्णय ले लो, रोड साइड पर है, उसकी बहुत डिमांड है कि नहीं? हाँ। तुम्हें याद होगा रिटायर होने के बाद मैंने अपनी सारी पूंजी तुम दोनों में बांट दिया, बड़े भाई ने बिजनेस शुरू किया पर छोटे भाई को जो कुछ दिया उसने उससे कुछ नहीं की। ये सलाह तुम्हें इसीलिए दे रहा है। देख सोच ले और निर्णय ले, नहीं तो रिटायरमेंट के बाद अच्छा सा घर खरीद लेना, क्या बोलते हो? सोचूंगा उस बारे में। घर पर आना खाना खाने के लिए। हाँ, बेटी इसे ले जाकर अंदर रख देना और बच्चों को दे देना। लक्ष्मी थोड़ा पानी लेकर आना। अभी लाई। हेलो अरविंद यार। हेलो अरविंद। हेलो हेलो, वन मिनट, कैन यू हियर मी? लाउड एंड क्लियर अरविंद सर। हेलो, कौन बोल रहा है? आपके प्राइवेट नंबर पर कॉल है, सोचो जरा मैं कौन हो सकता हूँ। ओ, तुम फेटूस जोश हो क्या सऊदी से? है ना? ठीक है, मैं जोश हूँ। तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम कुत्ते को भी शेर बना सकते हो। व्हाट अ लाइफ यू हैव गॉट नाउ सर। हे, हु इज दिस? न्याय क्या है सर, लॉ ऑफ द लैंड। कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, खुशी, प्रसिद्धि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी जहन्नुम की तरह है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? नॉनसेंस। कौन था बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? ऐसा कुछ नहीं डैडी जी, मैं अब चलता हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ, मेरी बीबी और बच्चे यहाँ पर आएंगे, हम रात में मिलते हैं। ओके। हेलो। हेलो अरविंद सर, हैं क्या? है ना, अभी बुलाती हूँ। हाँ। अरविंद, तुम्हारे लिए फोन। हाँ? है। हेलो अरविंद यार। मैं जोश बोल रहा हूँ, सऊदी वाला, पहचाना? हेलो। अच्छा ऐसा है क्या, रुको मैं उसे देता हूँ। कोई जोश का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। ये जोश कौन है बेटा, और इसे मेरा नंबर कैसे मिला? लगता है ब्लॉक ऑफिस के मैथ्यू का बेटा होगा। ओ हाँ, हो सकता है। मेरा फोन कट करोगे तो मैं ऐसे ही कॉल करूंगा, किसी को भी कॉल कर सकता हूँ मैं। तुम्हारे अंकल, डैडी, भाई या जानकी सिस्टर, तुम्हारे बड़े अंकल, अगर मैं तुम्हारे जानने वालों को कॉल कर सकता हूँ इसका मतलब मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। आई एम हियर, तुम्हारे बहुत क्लोज। Hey, who the hell are you man? आखिर कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ है। यू हैव एवरीथिंग, अच्छी जॉब, मनी, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल डॉटर। ऑरेंज स्कर्ट में आर्या बहुत अच्छी लगती है। आर्या कहाँ है? यहीं पर गई होगी। क्या हुआ आर्या बेटा? आपने देखा उसे? अभी तो बच्चों के साथ लुका छुपी खेल रही थी, पता नहीं यही खेल रही थी।
तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे, लेकिन आप डर गए ना पापा। हाँ ठीक है ठीक है। आर्या, हाँ आ रही हूँ। हेलो अरविंद सर, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैंने नहीं, तुम्हारी बेटी ने डराया। वो तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। वैसे हाइड एंड सीक बहुत अच्छा गेम है ना सर? आपने कभी ये गेम खेला है क्या? अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, जस्ट यू एंड मी, लेट्स प्ले। गेट लॉस्ट। बहुत पुरानी बात है, एक राजा थे, उनका नाम था दशरथ। वो एक चक्रवर्ती राजा थे। क्या तुम जानती हो कि उनके कितने बच्चे थे? कितने? चार बच्चे थे, और चारों के चारों बहुत सुंदर थे, राजकुमार थे। मैं इन्हें कहानी सुना रहा था बेटा। आर्या तुम्हें सोना नहीं है? आज हम यहीं सोएंगे पापा। आज तुम लोग दादा के पास ही सोओगे, है ना? मेरा सोना। बहुत होशियार हो। अब दादाजी आपको बची हुई पूरी कहानी सुनाएंगे, ठीक है? वो चारों बच्चे बहुत होनहार थे। तुम्हें पता है उनके गुरु कौन थे? नहीं। हाँ, वशिष्ठ मुनि थे। नमस्ते। अरविंद रुको, तुम कब आए? ए अरविंद, मैंने सुना है कि तुम जज बन गए हो, तुम क्या करोगे? ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ जानने के लिए। तुम लोगों को फांसी दोगे ऐसा लोग कह रहे हैं। इस वक्त मैं रीडिंग रूम जा रहा हूँ, मिलता हूँ। अरविंद मेरी बात तो सुन बेटा, हम लोग शाम को नाच गाने के प्रोग्राम में मिलेंगे, लेकिन तुम तो बिजी हो, कैसे आओगे? आ जाऊंगा। पांचाल महाराज को अपनी बेटी की शादी करवानी थी। पांचाली की शादी वीर लोगों की। परीक्षा लेने के बाद उन्होंने सारे राजाओं को बुला लिया था, उनमें से कौन वीर निकलेगा ये देखने के लिए। धरती के चारों कोनों से रानियां और नदी के पार वाले लोगों ने इस प्रोग्राम को सहानुभूति दी और वो सब तुम राजा तो नहीं हो? कौन सा पागल है दूसरी साइड में? क्या प्रॉब्लम है? तो जो राजा थे वो आठों दिशाओं से आने लग गए थे, और मैंने कहा राजा अरे कोई बंदर नहीं। वैसे राजा के पास वो भी हो सकते हैं, लेकिन इधर पांचाली का राजा। Thank you.
कुछ नहीं, तुम आराम से सो जाओ। मुझे सुलाकर तुम तेजी से गाड़ी चलाना चाहते हो ना? नहीं यार। जब भी गाड़ी चलाते हो टीनेजर की तरह बिहेव करते हो, खुद को बहुत जवान समझने लगते हो तुम। यहाँ पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। लेकिन पीछे बच्चे बैठे हुए हैं। स्टॉप इट। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, आप चलाते रहिए। हाँ। मजा आ रहा है। अरविंद प्लीज, मुझे डर लग रहा है अरविंद, बहुत हो गया, प्लीज स्टॉप इट। डोंट बी जजमेंटल संगी। अरविंद स्टॉप इट। जानना चाहती हो कि जो आदमी फॉलो कर रहा है वो कौन है? What happened? Private defense. Arvind, stop! So guys, Arvind sir की swearing खत्म हो गई है। We are all on our own. But the firm continues to be as usual. Case को ध्यान में रखते हुए हम clusters में case को divide कर देंगे। Arvind sir ने यही कहा था। So constructions, contracts and apartments, Prabha, it's yours. Okay. ज्यादा बड़ा workload नहीं होगा। लीकर कैसे वेंकट के section में दे दें? हैं? ये वेंकट पीता ही नहीं, pure ब्राह्मण है। और फिर जो नशा नहीं करता वो कैसे हैंडल करेगा? ये हमारे किसी अपने के हाथ में होना चाहिए। हमारे हिसाब से इस काम के लिए एनी ही फिट होगी, क्यों? हाँ ये सही है, एनी के पास रिसर्च करने के लिए सैंपल घर पर ही है। हस्बैंड है ना, बहुत पीता है। क्या? अच्छा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये केस वेंकट को ही जाएगा। मैं ग्राउंडर्स के बीच में होने वाले फैमिली इश्यूज को सॉल्व करूंगा, वो केसेस मैं लूंगा, ठीक है? सर सारे पुराने केसेस की फाइलों का बंडल बना दिया है सर, अब क्या करना है? वो सब चैम्बर ऑफिस में रख दो तुम, अरविंद सर से पूछ के बोलता हूँ। ठीक है सर। सिंपली एनवीएबल है ना अरविंद सर का करियर, every advocate's dream run he has had, god bless him. hide and seek. kya kya hide and seek? kuch nahi. Thank you.
आखिर ये कहां चला गया? कौन है वहां? बोलो, who is that? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? Who are you? तुम मुझे इस तरह हैरेस क्यों कर रहे हो? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? सुनाई नहीं दे रहा क्या? That's a good one, हाँ? अरे इतने बड़े जज अपने घर का रास्ता भूल गए क्या? और हमारे जैसे गरीबों के घर पर आ गए हैं? बहुत हो गया मार्कोस, जो गेम तुम खेल रहे हो उसे रोक दो, रोक दो उसे। Why? ये तो बहुत ही दिलचस्प गेम है, तुम नहीं खेलते हो क्या? PS3 और NFS अंडरग्राउंड ये कोई रोकता है क्या? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। लुक मिस्टर मार्कोस, बार बार धमकी वाले कॉल्स करना, फिल्म स्टंट करने वालों से चेस करवाना और उसके अलावा स्लॉपी हाइड एंड सीक गेम, लेकिन कल हद से ज्यादा हो गया। मेरी फैमिली के ऊपर तुमने हाथ भी रखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मिस्टर अरविंद, कि आप क्या बात कर रहे हो? सी मिस्टर मार्कोस, इफ यू हैव एनी इश्यू ऑन माय पोस्टिंग, तो और भी जज हैं, उन्हें जाकर कंप्लेन करो, अपने इमोशंस पर काबू रखो। ये तुमने मुझे फिर से हरा दिया, गुड गेम, बिंगो। आ मिस्टर अरविंद, आप क्या कह रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ पियेंगे क्या? कॉफी, टी, बीटा? ये सब बंद करो। हेलो, ये ओलंपिक गेम नहीं है, गुस्से में क्यों खेल रहे हो? टेंशन रिलीफ करने के लिए खेल रहा हूं। बाय पापा। बाय बेटा। कम फास्ट, गो 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 गो। टिफिन फिनिश करना, ओके? गो गो गो, टेक दिस बैग। अरे बेंसन नहीं आया क्या? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओ ठीक है ठीक है, बाय 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 आदि, बाय बाय। मैंने उसे भेज दिया, कोई नया ड्राइवर था, पेंशन की तबीयत ठीक नहीं है। और सर्विस स्टेशन से फोन आया था, कार रेडी हो गई है, मैं जाकर ले आती हूँ, ओके? ऑन द वे मंदिर भी चली जाऊंगी, गाड़ी नहीं है तो ऑटो से ही जाना पड़ेगा। बाय, सी यू। गुड मॉर्निंग बेबी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बुखार चला गया, बहुत अच्छी बात है, अभी स्कूल चली जाना फर्स्ट पीरियड के बाद। ओके ओके ओके, मैं तुम्हें हॉर्लिक्स देता हूँ। भाग गया, आर्या को हॉर्लिक्स दो, जाओ 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 जाओ। आई एम फीलिंग स्लीपी, मैं यहीं पर सो जाऊं। आदि आदि, अंकल इज आदि स्टिल स्लीपिंग? ही हैज गॉन टू स्कूल। व्हाई यू डिडंट गो? Are you not well? I am okay, but there is no school today. School pion died or something like that. I thought Suman would have told Adi. He didn't tell me. Okay, bye uncle. Bye. ये स्कूल के अधिकारी भी ना अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं, करेक्ट टाइम पर कुछ इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है, इसी वजह से उसकी नींद भी खराब हो गई। पर वो स्कूल बस आई कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? Thank you.
बस में कोई नहीं। क्या हुआ सर? आदि कहाँ है और तुमने उसे लेने के लिए किसे भेजा था? मैंने किसी को नहीं भेजा था। नहीं भेजा? आज छुट्टी है इसलिए मैं बस को वर्कशॉप में ले गया था। क्या बात है सर? आज स्कूल नहीं है। बेटा तुम बिल्कुल सेफ हो। ओके, डोंट क्राई बेटा, डोंट क्राई, कुछ नहीं हुआ। ओहो, स्कूल में कोई नहीं था तो ड्राइवर अंकल ने कहा मैं देखता हूँ और वो चले गए। लेकिन स्कूल में कोई क्यों नहीं था? आज स्कूल नहीं था और हमें भी अभी पता चला। आर यू ओके? मैं थोड़ा सा डर गया था लेकिन आपको देखा तो अच्छा लगा। ये तुम्हारी मम्मी की गलती है, उसे चेक करना चाहिए था। मम्मी किधर है? वो क्या है कि गाड़ी खराब हो गई थी तो ओहो, अब इसमें ये नई प्रॉब्लम क्या आ गई है? हेलो संगीत, तुम कहाँ हो? मैं न्यू होराइजन स्कूल के नजदीक हूँ। कार में कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, वहीं पर रुकना, मैं आ रहा हूँ। तुम जल्दी आ जाओगे ना? हाँ मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ संगीत? पता नहीं कार अचानक से बंद हो गई। मैंने चेक किया तो मेरे हाथ में जोर से करंट लग गया। अभी अभी तो सर्विसिंग करवाई है, अब ये नई प्रॉब्लम क्या है? तुमने सर्विस स्टेशन को फोन किया? हाँ, मैंने कर दिया। वो गाड़ी ले जाएंगे, तुम बाइक पर बैठो। हाउ कम आदि इज हियर? इसे तो शाम को आना था ना? आज स्कूल नहीं है, पापा आकर मुझे वापस ले आए। स्कूल क्यों नहीं है? ये सब मैं बाद में बताऊंगा, चलो अब। आर्या, आर्या बेटी, आर्या, आर्या कहाँ हो तुम? एलिंटू सब, आर्या कहाँ है? वो भाग्या के साथ फॉरम माल गई है। आर्या कहाँ है? अभी तक तो मेरे साथ ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। आइसक्रीम तुम्हें किसने दी? मुझे वो अंकल ने दिलाई। आ,
बेटा अनजान लोगों की दी हुई आइसक्रीम नहीं खाते, मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा। जब जज की पोस्ट की तुम्हें कंफर्मेशन मिली थी तब सिक्योरिटी कवरेज की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी गई थी, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया और अब तुम कह रहे हो तुम्हें इमीडिएट सिक्योरिटी चाहिए। तुम्हें फोन कॉल्स के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। तुम ये बात कल से ही बोल रहे हो। आई टोल्ड यू, मुझे लगा कि कोई प्रैंक कर रहा था, लेकिन ये चीप ईगो से जुड़ा हुआ चीप पब्लिसिटी स्टंट है। कमिश्नर ने क्या कहा? मैंने कमिश्नर को ब्रीफ कर दिया है। लो आ गए सर। हेलो। हेलो अरविंद। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर मार्कोस यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ही हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू alleging that trespassing, breaking of furniture and terrorizing his family. I just called him to discuss about that. वो जो फालतू कॉल्स और धमकियां मुझे मिल रही थी तो मुझे लगा कि वो सब मार्को से करवा रहा है। और सुनो, तुम्हारे घर पर जो ड्रामा हुआ वो सब मेरे फ्रस्ट्रेशन के कारण हुआ। आई एम सॉरी, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी स्थिति समझ रहे होगे। इट्स ओके मिस्टर अरविंद, आई कैन अंडरस्टैंड यू। ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा बिहेव करेगा, और उसके अलावा मुझे भी ऐसा लगा कि मेरा बर्ताव भी बुरा ही था। इट्स ओके। ग्रेट, that takes care of it. Now the question is, who is the real culprit? Be assured Arvind, we'll track. Once again, on behalf of all teachers and staff, we thank Arvind sir for gracing this occasion. Someone is desperately after me for something. Children, we call. Make a line. You have a nice campus. Thank you sir. Thank you for the compliment. Hi. Thank you. What's your name baby? आप है ना, जज के काम के लायक नहीं है। राजीनामा देकर गांव छोड़कर चले जाइए। उस दिन उस लड़की ने कहा था कि मैं जज बनने के लायक नहीं हूं। Somebody thinks that I am not fit for this job. तुम लायक हो या नहीं ये डिसाइड करने वाले स्टेट गवर्नर, चीफ जस्टिस और इंडियन प्रेसिडेंट हैं। So everybody else can go to hell. मैनन सर, देखिए आप मुझे ऐसी नजर से मत देखिए। इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। सी, अरविंद और उसकी फैमिली को फिजिकली हैरेस किया गया है, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। ये लोग चाहे जो कोई भी है, मुझे या मेरी फैमिली को इन्होंने तकलीफ देने की कोशिश नहीं की है। तुम्हें वो तकलीफ नहीं दे रहे हैं, ये तुम कैसे कह सकते हो? आदि को स्कूल बस में क्या किया था? स्कूल बस तो उन्होंने लॉक किया था, लेकिन उन्होंने एसी स्विच ऑफ नहीं किया था, और यही बात संगीता और आर्या के साथ भी हुई थी। बट डेफिनेटली कोई तो है जो मुझे शॉक देने की या डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। बट व्हाई और कौन? शायद उस शख्स को तुमसे कुछ चाहिए होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई पुराना केस हो, कोई हारा हुआ लॉयर, कोई ओल्ड केस, कोई ओल्ड क्लाइंट। ऐसा होता तो ये लोग राउंड अबाउट द वे नहीं जाते, वो लोग इसके मुंह पर ही कह देते। लेकिन यहाँ वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और इसे हैरेस कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई थॉट आई हैड अ प्रीटी डिसेंट लॉ करियर हियर, लेकिन मुझसे क्या गलती हो सकती है जो ये लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं? आई रियली डोंट नो। तुमसे गलती होने की चांसेस नहीं है, और तुमसे कोई नफरत भी नहीं करता। जितना हो सके उतने हद तक तुमने अच्छा जस्टिस दिया है टू कोर्ट एंड कॉन्शियंस अलाइक। क्या हम इमीडिएटली कोई एक्शन ले सकते हैं? जैसा कि उसने तुम्हें फिर से कॉल किया और हमने पकड़ लिया, मैंने साइबर सेल से कांटेक्ट कर लिया है। एंड यू लुक इनटू योर फाइल्स मैन, डीप, रियल डीप। मुझे दो। लेकिन हम इस फाइल में क्या ढूंढ रहे? जाने बिना ही फाइल छीन ली। लाओ मुझे देखने दो राजन। हाँ? What and where do we start? If Arvind sir has made a factual error, तो कुछ चीजों में ही error किया होगा। Arvind sir ऐसी गलती कर सकते हैं क्या? वही तो हम ढूंढ रहे हैं। Anyway, let us start from the beginning, especially criminal cases. Sir, sir, any updates? फैमिली कॉल्स क्लेरिफिकेशन करने के लिए किए गए, उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन कॉल आए थे, एक दो प्रैंक कॉल्स भी आए थे, मैंने चेक किया लेकिन लोकेशन नहीं मिली। कहीं से भी कॉल आने दो, एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करो। डेफिनेटली सर, विद इन 30 सेकेंड्स लैंड फोन, डुप्लीकेट और स्टोलन सिम एंड एनीथिंग। सर क्या प्रॉब्लम है बेटी? नील कह रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रोफेशनल राइवलरी है। अच्छा।
हाँ सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं तुम्हारे पापा को वहाँ भेजती हूँ। मम्मी प्लीज ये सब चीजें पापा को मत बताइएगा, उनका बीपी बढ़ जाएगा। मंदिर में चढ़ावे का क्या हुआ? बहुत दिनों से पेंडिंग है, उसे जल्दी पूरा करना होगा। इट्स अ फैमिली कॉल, आई विल कॉल यू बैक। यू कैरी ऑन सर, कीप मी इनफॉर्म्ड। ओके सर। हेलो, गेट द लाइन फास्ट। नमस्ते फादर। नमस्ते। मैं तुमसे मिलने के लिए आने ही वाला था, लेकिन मुझे लगा कि तुम लोगों की बधाई और प्रशंसाओं में बिजी होगे, तो चर्च की परेशानी के बारे में तुमसे डिस्कस करूंगा तो वो समय अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे वहां पर मिलने नहीं आया। टाइमली सपोर्ट किया है तुमने, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं। और पर्सनल लेवल पर आई कांट थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर मी। उस समय अगर तुम हमारे साथ नहीं होते तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खुश रखे। ईश्वर की वजह से हमें ये जगह बहुत अच्छी मिली। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और ईश्वर तुम्हारे दिल में। ओके फाइन, गॉड ब्लेस। थैंक यू। हेलो अरविंद यार। हेलो सर, काफी दिनों से मैंने आपको कॉल नहीं किया था। ओह यू आर बैक। प्रदीप जीपीएस ट्रैक नाउ। हाँ कर रहा हूँ सर। अजय नील सर को फोन करो जल्दी। ओके सर। तुमने इतने दिनों तक कॉल नहीं किया, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा था। सुपर सर, सुपर। कीप टॉकिंग, कीप टॉकिंग। तुम्हें अब तो पता चल गया ना कि मार्कोस लॉयर नहीं है। गेम तो तुमने चालू किया है, यू टेल मी। Closer to you, sir. Brigade Road area. Closest landmark, Level Square, Church Street. Ashok Nagar, CA को contact करो. Get me the whole team there. एक second hold करो. Arvind, वो Brigade Road पर है. Levi Square, Church Street. You keep talking. Okay. हाँ, sorry. Hello. The dogs are here, sir. Soon you will know. Who we all are, soon. मेरी बात सुनो। हेलो। शेफ। सर ब्रिगेड रोड के नीचे गया है सर, लोग उसका पीछा कर रहे हैं। What the hell? कहाँ है वो? देखो इन्होंने उसे देखा है, तुम घर जाओ मैं हैंडल कर लूं। मेरा बेटा भी कार में है, आई विल आल्सो कम विद यू। अपने आदमियों से कहना सावधानी बरते। जल्दी आना पापा। ये कार अपने साथ ले जाओ। Thank you.
रुक जाओ, हाइड एंड सीक गेम में इंसान पकड़ा गया तो गेम खत्म। दिस गेम इज नॉट ओवर येट। रुको। सुनो, मुझे एक सिगरेट दो। कौन है ये? Who is he? Rather, who was he? तुमने इस आदमी को पहले कहीं देखा है क्या? Like, think out of the box. क्योंकि ये तुम्हारे प्रोफेशन का आदमी नहीं लग रहा है। सोचो, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। No, not that I can recollect. उसकी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए हमें उसकी बॉडी से ऐसा कुछ नहीं मिला। ये जाने बगैर कि मैं कौन हूं, इसने मेरे साथ हाइड एंड सीक खेला। ये मेरे पीछे पड़ गया था और इसने मुझे परेशान किया, और आखिर में ये जब मेरे सामने आया तो भूल जा, वो मर गया ना। जस्ट लीव इट लाइक दैट, व्हाटएवर इट मे बी, छोड़ दे इसे। अरे इसे कैसे छोड़ूं? इट्स अबाउट मी। आखिर उसकी नजर में मैं कौन था, ये मैं कैसे जानूं? मैंने उसके साथ क्या किया, आई डोंट नो। क्या मैं कुछ करने में असफल रह गया, या फिर ये इसलिए हो रहा है कि ये लोग मुझसे कुछ करवाएं? आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो। तुम्हें क्या लगता है, मेरी क्या गलती है? अरविंद, तू जी, अब आप जा सकती हैं। क्यों तकलीफ ले रही हैं? मुझे क्या तकलीफ है, जब तक इनकी टूर खत्म नहीं होती मुझे कोई काम नहीं है। कैसे हैं लॉयर साहब, सब ठीक है? हाँ, तुम लोगों ने मुझे यहाँ दो दिन तक रोक कर रखा, आप तो खुश हो? रिपोर्ट्स ठीक हैं।
नथिंग टू वरी, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ओके? यही तो प्रॉब्लम है डॉक्टरों के साथ, वो लोग सही नहीं बताते। पहले तो बोलेंगे सब कुछ नॉर्मल है, फिर बोलेंगे छोटी बीमारी है। अरविंद प्लीज, डॉक्टर आप मुझे बताइए। वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम चाहो तो आज ही जा सकते हो। दो दिन आराम कर लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यू कैन चेक आउट एनी टाइम, टेक केयर। ये तो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से इस्केमिक रिस्पॉन्स था। इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं है, मैंने कहा इसे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और अगर स्ट्रेस लिया तो? मिसेस अरविंद, ही इज परफेक्टली ऑल राइट। और मिस्टर अरविंद, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। मेरे जाने के बाद इसे यहाँ दो दिन रखकर इसका इलाज कीजिएगा, मुझे परेशान करने के लिए। अरविंद, स्टॉप इट। ओके, टेक केयर, बाय। थैंक्स। सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ। ये सब मेरी प्रार्थनाओं की वजह से हुआ है, तुम्हें हमारी मन्नत जल्दी पूरी करनी चाहिए। आपकी मन्नत पूरी करने के लिए मैं गांव नहीं जाऊंगा, आपकी मन्नत यहीं पर जनहल्ली आयापा टेंपल में पूरी कर सकते हैं। भगवान के साथ मस्ती मत करो। ठीक है माजी, पहले मुझे पूरी तरह ठीक होने दो। संगी, माजी को घर लेकर जाओ, इन्हें यहाँ तकलीफ होगी, नहीं तो यहीं बैठकर मन्नत मांगेंगी। ले जाओ। चलिए मम्मी जी। नहीं सर, अरविंद सर को सिर्फ उस मरे हुए इंसान की आईडी और हिस्ट्री चाहिए थी। क्या सर? नहीं नहीं, उस दिन जिस दिन एडमिट हुए थे मुझे एक मैसेज आया था। नहीं सर, हम चेक कर रहे हैं। ओके सर। राजन भाई, हाँ, यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव दिस। रॉय स्टीफन, केस नंबर 1183। ये पुतान पूजा में रहता है। लीजी कार्टेज हरासमेंट केस में ये सातवां अक्यूज्ड है। 38 अक्यूज्ड लोगों में से 8 लोगों को ही कन्विक्ट किया गया था, उनमें से एक था राय। इसका मतलब ये केस अरविंद ने हैंडल किया था और अरविंद की गलती की वजह से अरविंद सर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हैरेसमेंट केस में उन 8 पर जेल में कठोर कार्रवाई की गई थी। उसके 2-3 सालों के बाद लीजी की शादी हुई और वो काउंसलिंग के लिए चर्च गया था और जिस काउंसलर से उसकी शादी हुई उसका नाम जॉन है। इनकी फादर कुरिया डेथू ने मदद की थी शादी करने में। उसके तीसरे दिन रॉय और उसकी कंपनी को जेल से रिलीज किया गया और उसी दिन लिजी मिसिंग हुई। मिसिंग, बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी शी वाज मर्डर्ड। उसका पूरा खून बेडरूम में बहाया गया था। ब्लड लॉस्ट की वजह से उसके जीने के चांसेस बहुत ही कम हुए होंगे, ऐसा फॉरेंसिक रिपोर्ट था। हर बॉडी हैज नेवर बीन फाउंड टिल डेट। बट टेल मी, हाउ इज अरविंद कनेक्टेड विद दिस? पहला आदमी जिसे अरेस्ट किया गया था वो था जॉन, उसका हस्बैंड। चार्जेस ऑफ मर्डर की केस लगाकर उसे पनिशमेंट दी। देन द केस केम टू द हायर कोर्ट। अरविंद जॉन की तरफ से कोर्ट में खड़ा रहा केस लड़ने के लिए। क्रिमिनल केस के लिए अरविंद सर का वो लास्ट अपीयरेंस केस था।
I appeared for the accused John in crime 32 by 10, Your Honor. चर्च में ऑर्फनेज चलाने वालों में से था जॉन। मैं उसे उसके बचपन से अच्छी तरह से जानता हूं। जॉन ऐसा नहीं कर सकता। उसके जैसा अच्छा इंसान ये कर ही नहीं सकता। इस समाज ने उस लड़की को धिक्कारा। जॉन ने उसे सहारा दिया। ऐसा था जॉन। तुम्हें क्या लगता है वो उसे बर्बाद करेगा? देखो अरविंद बेटा, तुम मेरी बातों का विश्वास करो। ओके, अब आप जाइए। नमस्ते। चलता हूं। हाइड एंड सीक है ना? यस सर, हाइड एंड सीक। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट को पूरी तरह से इनोसेंट प्रूफ करने के लिए आपके सामने एक और विटनेस पेश करना चाहता हूं। आई रिक्वेस्ट द परमिशन ऑफ द कोर्ट फॉर दैट। कोर्ट के सामने जॉन और बाकी सबके सामने लीजिए, एक हाइड एंड सीक गेम खेल रही थी योर ऑनर। हाइड एंड गो सीकिंग गेम। हाइड एंड सीक, ये कौन सा खेल है? ये क्या है अरविंद? यस योर ऑनर, जब वो ये हाइड एंड सीक गेम छोड़ेगी तभी वो कोर्ट के सामने पेश होगी। ये शक है कि वो मर गई है या उसका खून हो गया है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मेरे क्लाइंट की बीवी लीजी, जो कि लीजी जॉन है। आई होप यू आर सीरियस। बिल्कुल योर ऑनर, एट अ काउंट ऑफ थ्री। योर ऑनर, मेरे तीन गिनने से पहले लीजी जॉन कैटिंगल यहां से हाजिर होंगी। मे आई? वन, टू, एंड थ्री। आखिर आप कर क्या रहे हैं अरविंद? लीजी जॉन नहीं है। मिस्टर अरविंद, आप मजाक कर रहे हैं। नो योर ऑनर, लीजी जॉन अभी तक मरी नहीं है, ये कई लोग मानते हैं, उन्हें विश्वास है। इसीलिए यहां पर बैठे हुए सारे लोग और आप खुद उस दरवाजे की तरफ एक टक देख रहे थे। एंड दैट इज माय पॉइंट। यहां पर जितने लोग मौजूद हैं उन्हें यह विश्वास नहीं है कि लीजी मर चुकी है, और मेरे क्लाइंट पर यह इल्जाम है कि उसने लीजी का मर्डर किया है। और जो असली मुजरिम है वो हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं। उन्होंने घिनौने तरीके से लीजी के साथ बलात्कार किया। दे आर स्टिल रोमिंग फ्री। ये वही लोग हैं योर ऑनर जो कोर्ट के साथ और न्याय के साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं। दे शुड बी ब्रॉट बिफोर जस्टिस। जब हमने केस को हाथ में लिया, जॉन को फ्री करवा दिया, लेकिन जब री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर आया, उन आठों को फिर से अरेस्ट किया। क्योंकि जो सुराग मिले थे वो क्लियर नहीं थे, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा। एक ने सुसाइड कर लिया, उसका नाम राजशेखर था, और अब ये रॉय। वो केस उनके खिलाफ ही घुमाया गया था, इसलिए वो अरविंद के पीछे लगे हुए। Maybe they are innocent. ये सब जॉन ने नहीं किया, ये क्लियर है, पर कौन कर रहा है? लीजी का खो जाना या उसका खून होना, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। It's in the cold storage now, an unresolved case. Crime branch अब तक उसकी बॉडी ढूंढ नहीं पाई। एक ने आत्महत्या कर ली, दूसरा एक एक्सीडेंट में मारा गया। मुझे नहीं लगता कि ये कभी रुकेगा। मार्कोस, कैन यू फाइल पिटीशन टू रीओपन द लीजी कैटिंगल मिसिंग केस? हमें ऐसा करना चाहिए अरविंद, यह तुम्हारी सोशल लाइफ पर सवाल खड़ा कर सकता है। यू आर रिस्किंग योर करियर मैन, यंगेस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड्स, तुम्हें ये सब खोना चाहिए क्या? ये रिस्क तो है अरविंद, लेट्स लीव इट। लेकिन कैसे? अभी छह और लोग बचे हैं जो मेरे पीछे लगे हैं। अब मैं ये कैसे साबित करूं कि वो लोग मुजरिम हैं? आइडियली अरविंद, you shouldn't have to do this, but unfortunately in this case we don't have a good handle on your old cases, that's our problem. Sirf Arvind ka hi career nahi, uske juniors aur firm ke log sab ka future. Then I'll do it myself. Tum hamare ghar nahi aaoge? Main aa jaunga wahan par, lekin ye pura bhar tum akele apne sar par mat lena. Kya ye judgmental ki tarah baat kar raha hai? Agar koi galti hui hai to sahi karna chahiye, aur agar tum log court mein mere samne aaye to तुम ऐसे नहीं सोचोगे,
माय कॉन्सेंस विल बार्क एट मी कि मैं इस काम के लिए सही नहीं हूं। बड़ी योर पास्ट माय फ्रेंड, पास्ट इज लाइक योर शैडो, वो तुम्हारे पीछे ही रहेगा पूरी जिंदगी। बट आई वॉन्ट टू क्लियर सर्टेन थिंग्स फॉर माई सेल्फ। गुड मॉर्निंग मैडम। हे, तुम कब आए? कल ही और इस बार पूरी तरह से कूल होकर आया हूं। हम अपने गांव जाएंगे, वहां तुम अपनी सारी मन्नतें पूरी कर लेना, और वैसे भी वहां पर मेरा इंतजार कई लोग कर रहे हैं। हे भगवान, सीरियसली? मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है, हम अपने बच्चों को तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ेंगे, ओके? संगी, एवरीबॉडी नीड्स अ रीजन टू प्रे, मी टू। ये केस फिर से री इन्वेस्टिगेट हो ये अरविंद चाहता है, क्या ईश्वर उसे रास्ता दिखा देगा? वो अभी भी पुंत पूजा में है, वो वहां पर डैम पर छोटे मोटे काम किया करता है, वो एक फेरी बोट चला करके अपना गुजारा किया करता है। जॉन को अब भी लगता है कि वो जिंदा है। रिलैक्स, उन दिनों में मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं तुम्हें किसी भी तरह बचाऊं, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जहन में आखिर क्या चल रहा है। दैट्स व्हाई। उन लोगों के साथ मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, तो फिर वो लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं सर? उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने उनकी केस को उन्हीं की तरफ मोड़ दिया है। सर, आप जज बनने वाले हैं, अगर आप इस केस में फिर से आ गए तो आपकी फैमिली को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाएगा ना? ए, दैट आई कैन टेक केयर ऑफ। और तुम्हारा क्या है? अरे ओके? मैं तो ओके हूँ सर, लेकिन मैं ये जगह छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो यहीं पर है, मेरे आसपास इन वादियों में ही है सर। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि लीजी किसी से डरी है, या फिर वो तुमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? एनी चेंज इन हर बिहेवियर? वो तो बहुत ज्यादा खुश थी सर, बहुत खुश थी वो। इसका क्या कारण था? ही मारा है मेरी बेटी को, पर बेचारा जॉन उसमें फंस गया। वो डीएसपी साजन भी उनके साथ ही था। मैं तो मरने के बाद बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाया। कितना मजबूर हूं मैं। उन्होंने तुमसे उनके शक के बारे में कभी भी कुछ कहा क्या? मेरी गलती हो सकती है, अगर उन्हें कुछ कहना है तो उनको बोलना कि मेरे सामने आकर कहें, या फिर मुझे कॉल कर लें, ठीक है? क्या तुम लोगों ने ये सब किया है? हाँ, हमने कोर्ट में सब कुछ बता दिया सर। We raped her, but did not kill her. हमें जिस दिन सजा हुई उसके चौथे दिन हम लीजी से मिलने गए थे ताकि हम उससे माफी मांग सकें। वो आदमी राजशेखर जिसने सुसाइड कर लिया था, वो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर था सर। जो गलती हमने की उसकी शिक्षा हमें जेल में मिल गई, लेकिन ये यहीं पर खत्म नहीं होता। हम इसलिए कह रहे हैं कि शायद हमें अच्छा लगे, ये बात आप जॉन को बता दीजिएगा। मैं तुम दोनों को एक अच्छी जॉब दिला दूंगा, सरकारी नौकरी दिलाऊंगा, और जीने के लिए पेंशन भी मिलती रहेगी सरकार की तरफ से।
राजशेखर ने लीजी और जॉन को ये प्रॉमिस किया था सर। जब हमने ये सब किया तो हम लीजी को क्यों मारेंगे? अगर तुम ये जॉब एक्सेप्ट कर लोगी तो हमें बहुत खुशी होगी और यही हमारे लिए प्रायश्चित होगा। हमने उसे नहीं मारा है, अरविंद सर को ये बात प्रूफ करनी होगी सर। तुम अरविंद से ये सब कराना चाहते हो, इसीलिए तुम उसे हैरेस कर रहे हो और उसे तकलीफ देना चाहते हो, है ना? मैंने सिर्फ जॉन को अरेस्ट किया था, वो भी छोटे मोटे एविडेंस के बिना पर, और मुझे उन 8 लोगों को बचाना था, वो बहुत जरूरी बात थी ना। वो राजशेखर जिसने सुसाइड किया वो आपका रिश्तेदार था? हाँ, जब उसे खून के केस में बेल मिली तो उसने सुसाइड कर लिया। तुमने जॉन को तो बचा लिया, लेकिन तुम्हारा रुके नहीं, तुमने वो केस उनके खिलाफ घुमा दिया। उन लोगों ने वाकई बहुत कुछ सहा है, जो उन्होंने किया है उसकी वजह से, और जो नहीं किया उसकी वजह से भी। दे लॉस्ट एवरीथिंग, जब उनको पता चला कि तुम जज बनने वाले हो तो वो सब लोग फिर से मिले, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। रॉय और राजशेखर इसलिए मरे कि उनका अच्छा हो, और लीजी को किसने मारा ये उनको नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। दे ट्रस्ट यू टू क्लियर देयर नेम्स, और मेरा यकीन मानो, सिर्फ इसी वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़े थे, वो तुम्हें और तकलीफ नहीं देंगे, ट्रस्ट मी। थैंक यू। हेलो, हाँ मेनन सर, मैं कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में हूँ। नहीं सर, नील उन 6 लोगों से मिला, वो लोग नहीं है, शायद ये काम किसी और ने किया है। हाँ सर, हम उस तरह से भी सोच सकते हैं। अरविंद सर ने आपको सब कुछ बताया होगा ना? आप यहाँ अचानक कैसे आ गए, क्या हुआ? जस्ट अ रीचेक, दैट्स ऑल। नहीं, वैसे फादर उस दिन आप कहाँ थे? आदि, तुमने अपना होमवर्क किया ना? वेरी गुड। पापा बाहर गए हैं बेटा, मम्मी का फोन नहीं लग रहा है। आई टेल हिम टू कॉल यू, ओके? अरविंद, पिक अप। वे टू रिजर्वायर सर, वो रिजर्वायर के लिए पुराना रास्ता है, अभी वो रास्ता कोई यूज नहीं करता। हम यहाँ से सीधे जाकर लेफ्ट टर्न लें तो रिजर्वायर पहुंच जाएंगे। हाँ। सर, यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती, आगे हमें पैदल जाना होगा। सर, इसी घर में लीजी और जॉन रहा करते थे, अभी इस जगह पर कोई बंगाली प्लांटेशन वर्कर्स रहते हैं, मैं जगह खाली करवा लेता हूँ। अरे सुनो, चलो बाहर निकलो, चलो 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 निकलो, जल्दी जल्दी चलो, सब लोग उस तरफ चलो। चलो, 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 चलो।
हाँ बोलो। वो अरविंद। क्या हुआ अरविंद को? कहाँ तुम लोग अब? हम लोग अभी पेंटा पूजा गेस्ट हाउस में ही हैं। बहुत लेट हो गया है और अरविंद अब तक नहीं आया। तुमने अपनी मन्नत पूरी नहीं की क्या? ओ, वो सब तो पूरी कर दी है, लेकिन बार बार कहीं चले जाते हैं। जब भी उनसे पूछती हूँ कुछ न कुछ बहाना बना देते हैं। लेकिन बेंगलुरु में कहा था ना तुमने कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर ये सब? और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है संगीता, उसके पास कोई ऑफिशियल कमिटमेंट्स रहेंगी। कमिटमेंट्स? अरविंद भी यही कह रहा था। नील मुझे सच सच बताओ, इज अरविंद हैविंग एन अफेयर? अफेयर अरविंद का? तुम्हारे एक हाईकोर्ट जज की बीवी होने का कोई फायदा नहीं है, लड़की आखिर लड़की ही होती है। क्या संगीता, ऐसा कुछ नहीं है। रियली? आई अश्योर यू अरविंद इज अ वन वुमन मैन। मुझे टेंशन हो गई थी, मैं रखती हूँ। हे भगवान, लो इसे भी अभी फोन करना था। हेलो, जब मैं घर गया तो मुझे उसकी लाश मिली। हमने उसे मारा नहीं था सर। मुझे पक्का यकीन है जिन्होंने रेप किया उन्होंने ही मारा उसे। सीवियर ब्लड लॉस, इसलिए उसकी मौत हुई। जब मैं वहां पहुंचा तो जॉन वहीं था, लेकिन बॉडी वहां नहीं थी। कानूनन मान्यता है, नो बॉडी नो मर्डर। जब जॉन नाइट ड्यूटी के लिए घर से निकला, मैंने और लीजी ने साथ में खाना खाया। वो बहुत ही खुश थी, मुझे नहीं लगता उसे कोई प्रॉब्लम था। रात को 2 बजे के आसपास मैंने एक बाइक उस रास्ते पर जाती हुई देखी। जॉन के पास बाइक नहीं है। उसके डैडी ने शराब की दुकान में ये कहा कि मैं उसे मार दूंगा। उस दिन वो बहुत नशे में थे। वो आदमी ऐसा नहीं कर सकता सर, वो बहुत ही अच्छा इंसान है सर। ये सब ब्लैक मैन का ही काम है। मैं उसको बचपन से ही जानता हूँ, वो मेरे ऑर्फनेट में बड़ा हुआ है, वो ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ के MLA इस केस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरे 3 गिनने से पहले लीजी जॉन कैटिंगल इस दरवाजे से आएगी। मैं आए? हाँ नील। कहाँ है तू? मैं यही हूँ। कहाँ, कोर्ट में? हाँ जिला कोर्ट में। तू ठीक तो है? अरे हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। ए नील, आई थिंक द किलर इज हियर। और मैं जब जॉन के केस के बारे में बोल रहा था तब वो कोर्ट रूम में ही मौजूद था, फॉलोइंग मी लाइक माई शेडो। उसका पूरा ध्यान मेरी तरफ ही था। अब रखता हूँ। Stock markets fall over plans for a one-off tax on people's bank savings in Cyprus as part of an EU bailout. A £2 billion investment in the UK's air and space industry to secure the future of more than 100,000 jobs. I'll be live in Baghdad 10 years after the American-led invasion that toppled Saddam Hussein. One, two, three, right? एट द काउंट ऑफ 3, मेरे 3 गिनने से पहले लीजी जॉन कैटिंगल इस दरवाजे से आएगी। अरविंद, गुड मॉर्निंग। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। ये लो पेपर और दूध, मेरे लिए चाय बनाओ। आओ, तुम्हें कुछ बताना है। आई गॉट हिम। कौन? हाइड एंड सीक। मैंने जब 1-2 दिन काउंट किया और कहा था कि लीजी आएगी, याद है तुम्हें? यस। वो वहीं पर कोर्ट रूम में था,
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो वहां था। रियली? जब वो ये हाइड एंड सीक गेम छोड़ेगी तभी वो कोर्ट के सामने पेश होगी। वन, मैंने जब तीन गिनना खत्म किया था तब सभी लोगों की नजर दरवाजे की तरफ थी। जज, बेंच क्लार्क, वकील लोग, पुलिस ऑफिसर्स, विजिटर्स, सब लोग, लेकिन एक आदमी को छोड़कर एवरीबडी एक्सेप्ट वन। सबका चेहरा दरवाजे की तरफ था, सिर्फ एक आदमी था जो नीचे देख रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि कोई आने वाला नहीं है। उस अकेले इंसान को ही पता था कि वो जिंदा नहीं है, बिकॉज ही इज द वन हु किल्ड हर। और ये वही था जिसे मैंने इन सभी चीजों से बचाया, मेरा क्लाइंट जॉन। डीएसपी साजन ने अपने रिलेटिव को बचाने के लिए बहुत कोशिश की और उनके पास एविडेंस जो थे वो सही थे। उसके बाद एक दिन कुरियादंतु फादर मुझसे मिले। मैं उनके बहुत करीब था, इसीलिए मैंने फादर की बात सुनी और केस जीत गया। एंड दैट केस हैपेंड टू बी माय लास्ट क्रिमिनल केस। और कोर्ट ने उसे आजाद किया था, इसीलिए उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। मेरी गलती से ये सब हुआ। एन एरर, अ मिस्टेक एंड अ नेग्लिजेंस। बिना किसी कारण के दो लोग मर चुके हैं, तो क्या हमें सच्चाई नहीं जाननी चाहिए? For what? Just out of curiosity? No, for justice. फिर भी सवाल का जवाब नहीं मिला। बॉडी, आई हैव अ गेस। उसने पता होते या ना पता होते हुए बोला, या फिर जानबूझकर बोला, लेकिन सबको डाइवर्ट कर दिया। वो यही कही है सर, इसी वादी में मेरे आसपास। हमें उसे ढूंढना ही होगा। शेल्वी, उसका बचपन अच्छी तरह नहीं बीता। उसे मानसिक तकलीफ थी जिसका ट्रीटमेंट भी हुआ, फिर चर्च के काउंसलिंग सेंटर पर काउंसलिंग भी किया। जॉन शादी में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन लीजी एक रेप विक्टिम थी, तो फादर के दबाव देने की वजह से जॉन ने शादी के लिए हाँ कर दिया था। फादर को लगा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, अगर जॉन पकड़ा गया तो चर्च का नाम खराब होगा। लगता है इसी वजह से फादर ने ये सारी चीजें छिपाई होंगी। ये बहुत पुराना केस है। डायग्नोज्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर, पूरी रिकवरी के बाद ही डिस्चार्ज किया था। ओके, ठीक है। जॉन जिस जगह पर रह रहा है वो लॉक्ड है, और वो किसी रिसॉर्ट में भी गया नहीं है। डोंट अलार्म, बस एक नॉर्मल इंक्वायरी है। वी नीड हिम, सो नो एक्शन। हाँ बोलो कुरु, क्या हुआ? जॉन लीजी से पहली बार चर्च के काउंसलिंग सेंटर पर ही मिला था। ओ, वो उसका काउंसलर था। आयरनी इज दैट वो भी वहां पर काउंसलिंग के लिए ही गया था। सच में? हाँ, फॉर क्रिमिनल बिहेवियर, बाइपोलर डिसऑर्डर। डोंट टेल मी। हाँ, वो पागल था, ऐसा पागल जो कभी ठीक नहीं हो सकता। रुको 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 रुको। What? पीछे लो। This way? Are you sure? हाँ। अगर मेरा शक सही है तो जॉन को अरेस्ट करने के बाद सज्जन ने केस डायरी बनाई जिसे मैंने ठीक से देखा था। उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कैसे मर्डर हुआ होगा, ऐसी इंफॉर्मेशन थी। लीजी, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। जैसा प्लान किया था सब लोगों को वही नजर आया। जॉन नाइट ड्यूटी के लिए रिसॉर्ट चला गया। उसके बाद सभी लोगों की नजरों से बचते हुए वो पीछे के दरवाजे से अंदर आया। Thank you.
जॉन ये नहीं कहना चाहता था, पर उसने ये बात गलती से कह दी। बट आई एम श्योर दिस इज द प्लेस ही ब्रॉट हर। इधर पानी में कोई लहर नहीं है, इसीलिए बॉडी ऊपर नहीं तैरती। अगर किसी वजनदार चीज से उसे बांधा जाए तो वो अंदर ही रह जाएगी। सर लीजिए यहीं पर है नील, प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ अस। एट एनी कॉस्ट हमें उसे बाहर निकालना होगा, एटलीस्ट हर रिमेंस, तभी हम इस कहानी का अंत कर सकते हैं। कैन यू ऑर्गेनाइज? श्योर। नाउ? हाँ, लेकिन मैं यहाँ रहकर सिर्फ एक मोबाइल फोन से ये सब नहीं कर सकता, मुझे मेरी टीम की जरूरत है। We have to go and collect them. Come, let's go. Okay, I'll wait here. You go. Sure. सॉरी संगी, मैं तुम्हें बताए बिना ही निकल गया। एनीवे, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाऊंगा। जिंदगी भर तुम उस कहानी को याद रखोगी। सच है सर, ये कहानी हमेशा याद रहेगी। Hey, who is this? एक पागल की कहानी जिसने एक वैश्या को मार दिया है ना। जॉन, तुम्हें क्या चाहिए? जॉन मुझे बताओ तुम्हारा इरादा क्या है और संगीता कहाँ है? वो इस कहानी में शामिल हो गई है सर। Hey, जॉन, धोखा देने की कोशिश मत कर। कहाँ है तू? टेल मी। आप सीधे पश्चिम की ओर ही आना। जंगल में पूरा पश्चिम कैसे ढूंढूं? सूर्य की तरफ देखिए, वही आपका रास्ता है। सर, रेंज ऑफिस की चीजों से हम स्टार्ट करेंगे और रिजर्वायर स्टाफ से हमें मदद भी मिल जाएगी। उसके अलावा कल अपर मंगला डैम को ओपन कर देंगे। सो वी नीड टू डू इट टुनाइट इटसेल्फ। हे जॉन, जॉन, बोल बोल, संगीता कहाँ है? यहीं पर ही है सर। मुझे कराटे या बॉक्सिंग नहीं आती, पर आपकी बीवी मेरे पास ही है, आप ज्यादा घबराओ मत। कहाँ? बीवी से मिलना है ना, थोड़ी सी मेहनत करिए, चली चप्पू चलाइए। सारी आपकी गलती है, मैं तो इंडिया से बाहर जाने वाला था, सारे इंतजाम हो चुके थे, टिकट और वीजा भी, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते, लेकिन उन 8 कमीनों ने मुझे फंसा के रख दिया, सब गड़बड़ हो गई।
उन्हें मार देना चाहिए था। काश मैंने उन्हें मार ही दिया होता। वो जो बोट है ना, उसमें आपकी संगीता है। चुप, शट अप। जल्दी चप्पू चलाओ सर, जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना अच्छा है। वो पुरानी बोट है सर, पानी अंदर घुस रहा है उसमें। तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है जॉन। कल्पना में दिखने वाले इंसान से डरना एक रोग। पता है, 2 साल तक मैंने उसे सच्चा प्यार किया। वो सब सच नहीं था। सच कहूं तो मैंने बहुत कुछ सहा है सर, लेकिन उस दिन बर्दाश्त नहीं हुआ। उस दिन वो बहुत खुश थी, इतनी खुश कि मैं बता नहीं सकता। कुछ तो गड़बड़ थी। जेल से छूटने के बाद वो 8ों लोग घर में आए थे। उन 8ों ने उसका रेप किया, फिर भी उसने उनको घर पर बुलाया और खाना खिलाया। इस बात पर मैंने गुस्से में आकर उसे मार दिया। संतोष सर, डाइवर्स कहाँ हैं? यही लोग हैं सर। यहाँ आओ। संगीत मैंने आपसे कहा था ना, पुरानी बोट है, बोट के अंदर पानी भर जाएगा। दरअसल इस बोट की बात कर रहा था। जुदा होने का वक्त आ गया है सर। इतनी देर से वो आपके साथ थी, आपके पैरों के पास, लेकिन आप उसे देख नहीं पाए। क्या करें, उस बेचारी की किस्मत ही खराब थी। संगीता। वो मशीन काम नहीं कर रही है सर, अब आप फंस चुके हैं। संगीता, अब कुछ नहीं होगा सर, आपकी बोट का चप्पू भी नहीं चलता है। संगीता, डोंट पैनिक, आई एम देयर, रिलैक्स। रुको। रिलैक्स सर, अब आप देखो हम दोनों कैसे आराम से नीचे जाएंगे। आप सिर्फ तमाशा देखो। मरने के बाद भी तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। बीच समुंदर में भी तू आ गई। हाँ, सॉरी मैडम, मेरा थोड़ा दिमाग खराब है, लेकिन आपका हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल है। पर वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है मैडम? आसानी से नहीं छोड़ूंगा सर, उसे यहाँ लाया हूँ आपकी अच्छाई के लिए, ना कि ब्लैकमेल करके उसे भगाने के लिए। इसने आपको कई बार धोखा दिया है सर। जब आप घर से बाहर रहते थे, अपने कॉलेज लवर नील को बुलाती थी, रंगरेलियां मनाती थी उसके साथ, ये औरत। चुप हो जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुझे क्या लगता है कि मैं भी तेरी तरह पागल हूँ? Thank you.
तू एक क्रिमिनल है और तू सोचता है तू अच्छा इंसान है। उस दिन लीजी के इतना खुश होने का कारण तुझे पता है? पता है तुझे क्या कारण था सर? उन 8 लोगों ने माफी मांगी फिर? नहीं। फिर क्या? काम दिलाने का प्रॉमिस किया? नहीं। सच्चाई ये है कि वो सब एक ड्रामा था। हाँ, तेरे जैसे पागल इंसान के लिए तो ये ड्रामा ही है। वो खुशी खुशी आई थी तेरे पास कुछ बताने के लिए और तूने क्या किया? सर आप क्या कह रहे हैं सर? अभी भी नहीं समझा? तेरा बच्चा उसके पेट में था, तेरा खुद का, इसीलिए वो तेरे पास आई थी। उसे ये बात उसी दिन पता चली थी। वो ये खुशखबरी तुझे देना चाहती थी लेकिन तूने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि तेरा दिमाग खराब हो चुका था। एंड यू किल्ड हर। तूने ही उसका खून किया। नो। मुझे ये सब नहीं पता था सर। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। लगता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने उसकी रिपोर्ट देखी थी और उसके अनुसार शिवा प्रेग्नेंट। वो इसे तेरे साथ शेयर करके तुझे सरप्राइज देना चाहती थी लेकिन उसे नहीं पता था कि तू उसे अलग ही सरप्राइज देने वाला है। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी सर? मैंने ऑटोप्सी की रिपोर्ट देखी थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चाहिए सर और बॉडी तो यहाँ पर है। मैंने बॉडी को खुद यहाँ फेंका था। फिर मुझसे झूठ बोल रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। वकील सिर्फ अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ही झूठ नहीं बोलते, सच को बचाने के लिए भी बोलते हैं। समझ गए? अरविंद, I, Arvind Chandrasekhar, having been appointed as the judge of the High Court of Karnataka, do swear in the name of God that I'll bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I'll duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will, and uphold the Constitution and laws.